तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ स्टेप का अर्बन ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो रीडिंग सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइट रूम ऐप को यूज करके बहुत आसान तरीके में। तो गाइस अगर आप लोग भी इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो यह वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नया नया एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर फोटो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना फोन का गैलरी से अपना फोटो को सिलेक्ट कर लें, और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना फोटो को लाइट रूम पर शेयर कर लें। ठीक है, तो उसके लिए गाइस यहाँ से आप लोग लाइट रूम को सिलेक्ट कर लें जो कि यार लाइट रूम हमारा, तो लाइट रूम आपको आप लोग सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आप लोगों का फोटो आप लोग का लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लोग अपना फोटो का एडपेस्ट लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर आप लोग को सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि देश, तो मैं यहाँ पर अभी लाइट रूम ऐप को ओपन कर चुका हूँ, और लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग इस ऑल फोटोज का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो फोटो ऐड किया हुआ अभी उसी फोटो को आप लोग ऐसे ओपन कर लें जो कि यार हमारा फोटो, तो हम ऐसे अभी इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसे आप लोग भी अपना फोटो कैसे ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, फोटो को ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपना फोटो को थोड़ा HD बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट का टूल यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को टेक्चर मिल जाएगा, तो आप उसका टेक्चर को आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इससे आप लोग इंक्रीज करके 25 तक रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर इसका क्लैरिटी को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो आप इसका क्लैरिटी को आप लोग इंक्रीज करके रख लीजिएगा 14 के आसपास, और उसके बाद गाइस यहाँ पर इसका DH को भी आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इससे आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करके 9 तक रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर इसका भीगनेट का आप लोगों को माइनस करें। ठीक है, तो इसे माइनस करके आप लोग यहाँ पर -55 तक रख लीजिएगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पर इसका मिड पॉइंट का आप लोगों को कम करें। ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का आप लोग इधर पे 21 तक रख लेने, और आप उसका फेदर को इधर पर आप लोगों को बढ़ा लें, तो इसे यहाँ पर आप लोगों को 84 तक रख लेने। ठीक है, और उसके बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाने कलर्स का ऑप्शन में जो कि ये रहा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को सीधा चला जाना मिक्स टूल में जो कि ये रहा मिक्स टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट हुआ मिलेगा, तब इसका रेड कलर के ह्यू को आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 18 तक रख लीजिएगा। ठीक है, और आप इसका सैचुरेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप इसका सैचुरेशन की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करने, तो इसे आप लोग माइनस करके -17 तक रख लीजिएगा, और आप इसका लूमिनस को आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 19 तक रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आप लोग यहाँ से चले जाना ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज कलर में जाके गाइस यहाँ पर आप लोग इसका सैचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर सैचुरेशन को आप लोगों को माइनस करके -29 तक रख लेने। ठीक है, और आप इसका लुमिनस की तरफ आप लोग को इंक्रीज करने। ठीक है, तो यहाँ पर लुमिनस आप लोग उतना ही इंक्रीज कर लीजिएगा जितना आप लोग अपना स्किन को यहाँ पर व्हाइट चाहते हो, तो हम यहाँ पर अभी इसे इंक्रीज करके +31 तक रख लेते हैं। नेक्स्ट गाइस आप लोग ऐसे चले जाइए येलो कलर में, और येलो कलर में जाके गाइस यहाँ पर इसका ह्यू को आप लोगों को फुली डिक्रीज करके -100 कर लें, और आप लोगों को यहाँ पर सैचुरेशन को भी फुली डिक्रीज करके -100 कर लें। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर लुमिनस मिल जाएगा, तो आप इसका लुमिनस को आप लोगों को डिक्रीज करने, तो इसे आप लोग डिक्रीज करके रख लीजिएगा -77 के आसपास। नेक्स्ट गाइस आप लोग यहाँ से चले जाने ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर में जाके गाइस यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को कुछ भी नहीं करने, यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को बिल्कुल ही डिक्रीज करके -100 कर लें, और आप इसका लुमिनस को भी आप लोगों को डिक्रीज करने। ठीक है, तो इसे आप लोग डिक्रीज करके अभी रख लीजिएगा -58 के आसपास। नेक्स्ट गाइस आप लोग ऐसे चले जाने सेन कलर में, और सेन कलर में जाके बस यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को ही डिक्रीज करके -100 कर लें, और उसके बाद आप लोग चले जाने ब्लू कलर में, और ब्लू कलर में जाके भी गाइस यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन को बिल्कुल ही डिक्रीज करके -100 कर लें, देन अभी गाइस यहाँ सब लोग डन कर लें, और डन करके गाइस यहाँ पर आप लोगों को ऊपर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इस एरो का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसका शैडो टोन का ह्यू अमाउंट आप लोगों को 230 के आसपास रख लेने, और आप इसका सैचुरेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग सैचुरेशन को इंक्रीज करके 16 तक रख लीजिएगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पर इसका लुमिनस आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसका लुमिनस को आप लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज करने, तो डिक्रीज करके आप लोगों को -16 तक रख लेने, और उसके बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना हाईलाइट स्टोन में, और हाईलाइट स्टोन में आके गाइस यहाँ पर भी इसका ह्यू आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप इसका ह्यू कमेंट को आप लोगों को 224 तक रख लेने। ठीक है, और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो अब इसका सैचुरेशन को आप लोग इंक्रीज करके 37 तक रख लीजिएगा, लेकिन अभी गाइस यहाँ से आप लोगों को सिंपल से डन कर लें, और डन करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाने लाइट्स का ऑप्शन में, तो ये रहा इधर पे लाइट्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करके इधर पर आप लोगों को शैडो मिल जाएगा, तब इसका शैडो का भी आप लोगों को इंक्रीज करने थोड़ा सा, तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 25 तक रख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका ब्लैक्स आप लोगों को मिल जाएगा, तब इसका ब्लैक्स का आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करने यहाँ पर, तो ब्लैक्स को माइनस करके आप लोग -28 के आसपास रख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आप लोग यहाँ से चले जाने डिटेल का ऑप्शन में, तो यार इधर पे डिटेल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, क्लिक करके गाइस सबसे पहले यहाँ पर इसका शार्पनिंग आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 49 तक रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा, तो इसका डिटेल को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, ताकि आप लोगों का जो फोटो के ऊपर डिटेल आ सके। ठीक है,
तो इसे आप लोग इंक्रीज करके 56 के आसपास रख लीजिएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को नॉइस रिडक्शन मिल जाएगा, तो इसे आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करने ताकि आप लोगों को फोटो जो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, तो इसे आप लोग 20 तक रख लीजिएगा। और एप्स का कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसे आप लोग 33 के आसपास रख लीजिएगा। देन अभी गाइस आप लोग को और कुछ नहीं करने, इधर पर आप लोगों को फोटो रीडिंग कंप्लीट होकर आ जाएगा। हमारे मॉडल का फोटो का आप लोग देख सकते हो कंप्लीट रीडिंग हो चुका है, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, देखते रेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ऑसम लग रहा है। और यहाँ पर फोटो एडिटिंग हो जाने के बाद आप लोगों को फोटो को सेव करने के लिए सिंपली ऐसा आप लोग ऊपर ही शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने, फिर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आप लोगों का फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो ऐसे प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।